धर्मशाला से ही आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। केजरीवाल की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी। हिमाचल आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन की तरफ से बयान सामने आया। चंबी मैदान में केजरीवाल की रैली होगी, आम आदमी पार्टी की रैली इतिहास रचेगी, उनकी तरफ से कहा गया। अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा है चंबी गांव में शमशाबू में, और वहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में कांगड़ा इलाके से लोग आने की आशा है। ये जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये सभी लोग भी आएंगे, इनके साथी भी आएंगे, इसके साथ साथ काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं सबके आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रैली में स्थल है। अंकुश जुबाल हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अंकुश, आज जेपी नड्डा का रोड शो और इसके अलावा कल की अगर बात की जाए तो केजरीवाल भी आने वाले हैं, क्या समय कितने बजे के करीब वो पहुंचेंगे और क्या तैयारियां इसको लेकर? देश भर की सियासत का केंद्र इस समय हिमाचल प्रदेश बना हुआ है, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस समय हिमाचल पर फोकस किए हुए नजर आ रही है। बीजेपी तो सरकार में काबिज है, ऐसे में बीजेपी को तो इस स्टेट पर फोकस करना ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद जो है गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हिमाचल प्रदेश पर। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अरविंद केजरीवाल पहले मंडी में एक रोड शो कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक भव्य रोड शो था और इस तरह का रोड शो कभी भी पार्टी में देखने के लिए नहीं मिला है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। लेकिन वहीं हमने देखा कि बीजेपी ने कहा कि इससे ज्यादा भीड़ तो वहां उस मेले में थी जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, तो अपने अपने तरीके से उस रोड शो की भीड़ को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन अब एक बार फिर कांगड़ा जो है अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आने से एक हवा जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में बन रही है, और यही हवा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की भी जा रही है क्योंकि अपना संगठन आम आदमी पार्टी का नहीं है। साल 2012 में पार्टी का गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश में नए-नए पैर जो है वो पार्टी पसार रही है। हालांकि इससे पहले राजन सुशांत जब पार्टी के सदस्य हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने कोशिश की थी आम आदमी पार्टी को वहां पर स्थापित करने की, हालांकि उसमें सफल नहीं रह पाए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल हम देख रहे हैं कि कल जो है वो कर्नाटक में थे, कर्नाटक में उन्होंने किसानों की बात की, जब वो हिमाचल आते हैं तो हिमाचल के मुद्दों की बात करते हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। ये कहा जा रहा है कि एक नए ऑप्शन को जो है वो मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा बी और सी को मौका दिया, यानी बी फॉर बीजेपी सी फॉर कांग्रेस, लेकिन अब ए यानी कि आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। कोशिश ये की जा रही है, ग्रेडिंग की जा रही है कि ए फॉर आम आदमी पार्टी, ए फॉर ए ग्रेड को जो है अब लोग जो है सत्ता पर काबिज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग संदेशों से पार्टी ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाए, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की कोई जानकारी नहीं है। बीते दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सत्येंद्र जैन से जो सवाल पूछे गए उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर असमर्थता जताई जवाब देने में। उन्होंने कहा कि इसे हमें इस बारे में जो है वो जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में पता करूंगा। तो इसके बाद पार्टी भी जो है हमलावर नजर आ रही, विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल सत्ता पर काबिज होना चाहती है लेकिन पहाड़ की समस्याओं के बारे में नहीं जानती। लेकिन महिमा कुल मिलाकर बात समझने वाली यहां पर यह है कि भले ही तीनों दल सत्ता पर काबिज होने की बात कर रहे हो, लेकिन यहां पर एक बेहद अहम मुद्दा यह हो जाता है कि पहाड़ की समस्याओं को समझने वाली सरकार चाहिए। पहाड़ में संसाधनों की कमी, पहाड़ में आर्थिक संसाधनों की कमी, रोजगार की कमी, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकार, ऐसी सरकार पहाड़ का आदमी आज चाह रहा है। और यही वजह है कि सभी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच एक विश्वास लाया जाए कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वो विश्वास आएगा और हिमाचल प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। और आम आदमी पार्टी के अगर रोड शो की हम बात करें, जो कांगड़ा में रोड शो होने जा रहा है, जिस तरह से हम जेपी नड्डा के रोड शो का जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर गुजरता है क्योंकि विधानसभा सीटों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में ये कोशिश अरविंद केजरीवाल से गृह जिला मंडी के बाद जो है, अब क्योंकि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में जो है वहां पर रोड शो किया था, अब कांगड़ा के जरिए कोशिश की जा रही है कि कांगड़ा के जरिए एक पूरी हवा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बनाई जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि शिमला की ओर भी अरविंद केजरीवाल रुख करते हुए नजर आएंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीनों का समय रह गया है। माना यह जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में किसी तरीके की कमी आम आदमी पार्टी छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि मीडिया का, चाहे वो मीडिया में बने रहने की बात हो, अलग अलग बयानों को देने की बात हो, ये आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से कर रही है। जिस तरीके से बयानबाजी लगातार जारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी बयानों का दौर जारी है। देखना यह होगा कि जेपी नड्डा का ये रोड शो, इसके अलावा केजरीवाल का कल होने वाला रोड शो कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जुबाल इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच